अभी आपने जो देखा वो क्या था? ए बी डैश माइनस ए डैश बी इंटू बी सी डैश माइनस बी डैश सी बराबर सी ए डैश माइनस सी डैश ए का होल स्क्वायर। तो ये कंडीशन आपको जब जब दिए गए दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वन रूट कॉमन हो तो ये शर्त ऑफ लागू करेंगे। और जब ऐसा बोल दिया जाए कि बोथ रूट्स आर कॉमन इन क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है वो क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस बी और ए डैश एक्स स्क्वायर प्लस बी डैश एक्स प्लस सी डैश बराबर जीरो। यहां जो अल्फा है वही अल्फा यहां भी है, इसके पास जो बीटा है वही बीटा इसके पास है। तो इसके लिए जो अल्फा और बीटा आएगा वही अल्फा प्लस बीटा, जो वैल्यू अल्फा प्लस बीटा इस इक्वेशन के लिए आएगा वही अल्फा प्लस बीटा इस इक्वेशन के लिए भी आएगा। तो यहां से जो अल्फा और बीटा मिलेगा फ्रॉम इक्वेशन वन और ये टू फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू से ले लेता हूं। तो इसके लिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? माइनस बी बटे ए। और इसके लिए कितना हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा बी डैश माइनस बी डैश बटे ए डैश, ये दोनों क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो माइनस बी बटा ए बराबर माइनस बी डैश बटा ए डैश, तो क्या हो जाएगा? हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या? बी बट्टा बी डैश बराबर ए बट्टा ए डैश। नेक्स्ट बात करेंगे यहां से आ जाइए, क्या मिलेगा? ये अल्फा इंटू बीटा ले लेंगे आप तो सी बट्टा ए, फिर से अल्फा इंटू बीटा इस वाले इक्वेशन में ले लेंगे तो सी डैश बट्टा क्या ए डैश, दोनों बराबर हो जाएगा। सी बट्टा ए बराबर सी डैश बट्टा ए डैश, तो सी बट्टा सी डैश बराबर ए बट्टा क्या ए डैश हो जाएगा। अब देखना ये दोनों बराबर है तो ये भी दोनों बराबर हो जाएगा, मतलब ओवरऑल बराबर हो जाएगा। हेंस क्या? तो ए बट्टा ए डैश बराबर बी बट्टा बी डैश बराबर सी बट्टा सी डैश। अगर ऐसा कंडीशन दिखता है तो याद करो यहाँ पे दोनों के दोनों रूट कॉमन हैं इन दोनों दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। और शायद आपने ऐसा कुछ दो चर वाले रैखिक समीकरण में भी पढ़ा होगा, वहां पे भी आपको दिख रहा होगा एक्स और वाई का जो भी वैल्यू आता था वो दोनों इक्वेशन में आता था। तो इतनी बात को ध्यान रखें। थैंक यू।